इससे पहले कौन सी क्लास थी आपकी? साइंस सर, साइंस। साइंस टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन दैट क्लास? 45। बट अभी तक आई थिंक सर यहाँ पे तो 29 ही एंटर हुए अब तक। हर्ष एंड हरीश, जस्ट स्टार्ट योर वीडियो अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास। एंड वर्षा बलहरा बेटा, कैमरा कवर कर लेते हो, क्या दिक्कत है? जो बच्चा मुझे 20 तक गिनती सुनाएगा Who is speaking that? Now 34 students are there, so let's wait for 2 more minutes. It's 12:03. You don't want to ask anything from your previous classes. Everything is clear. Suzal, Sanjana, Prateek, Nitesh and Renu Fogart, start your video. Nitish, uncover the camera. Nitish beta, camera ko cover mat karo. You must be visible. Suzal, Renu Fogart, and who is that? Visha Malik. Start your video. Otherwise, you will be removed. Suzal, Renu, Vishal Malik, Ankush, Renu, and Suzal. Chat me, good afternoon sir, good afternoon sir. Okay, let's start our class. I am going to share my screen, so rotate your phone in landscape mode. Okay, so now you can वेट अ मिनट, मैंने अनम्यूट नहीं किया कुछ को, रुक जाओ। किस किस को अनम्यूट करूँ? ओके भविष्य बेटा, अनम्यूट योर सेल्फ। एंड नेक्स्ट इज चिराग, अनम्यूट योर सेल्फ। एंड अंशु, अनम्यूट योर सेल्फ। यस सर। अंशु, यू कैन लिसन टू मी बेटा? यस सर। ओके, so you all three will be unmuted during the whole class, okay, in this class, and you will tell me if there is something which is not clear to you. Okay, so you all can see my screen? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay, so I am opening. We were doing the first unit. And the name of that unit is Introduction to IT and IT's Industry. ठीक है, तो इसका भी ये फर्स्ट चैप्टर है
तो वो हम कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो लास्ट क्लास में हमने किया था, वी वर स्टडिंग अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ आईटी, ओके, इन डिफरेंट फील्ड्स। जो अलग अलग फील्ड्स हैं उनके अंदर हम आईटी की एप्लीकेशन, मतलब आईटी का क्या यूज़ होता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने इससे पहले काफ़ी कुछ पढ़ा था, आईटी एट वर्क प्लेस ये लास्ट टॉपिक था जो हमने कवर किया था, कि जो हम जहाँ हम काम करते हैं, हमारे ऑफिस वगैरह होते हैं, वहाँ पर आईटी का क्या यूज़ होता है, ठीक है। सो अब जो हम स्टार्ट करने वाला है, आईटी इन लाइब्रेरी, टुडेज टॉपिक जो है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट आईटी इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होती है, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, ठीक है। कुछ स्कूल्स में भी, जैसे स्कूल के भी एक लाइब्रेरी है आपकी, वैसे स्कूल से अलग से भी अलग से लाइब्रेरीज होते हैं, जहाँ पर कोई भी जा सकता है, वहाँ पर वो मेंबरशिप ले सकता है, उसके बाद वहाँ से वो कोई भी बुक पढ़ सकता है, बुक को घर ले जा सकता है, ठीक है। तो वो जो लाइब्रेरीज होती हैं, तो उन लाइब्रेरीज में, अब एक लाइब्रेरी में लाखों से भी ज़्यादा मतलब बुक्स होती हैं, इवन तो कुछ लाइब्रेरी तो इतनी बड़ी हैं वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे करोड़ 1 करोड़ से भी ज़्यादा बुक्स रखी गई हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में इतनी सारी बुक्स को मेंटेन करना, कौन बंदा कौन सी बुक ले जा रहा है, कौन सी बुक ला रहा है, तो उसके लिए क्या जरूरत होती है, अब मैनुअली रजिस्टर में इतना बड़ा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो किसकी हेल्प से होता है, कंप्यूटर्स की हेल्प से ही होता है, तो यानी कंप्यूटर का मतलब आईटी, ठीक है। तो आईटी का यूज जो है लाइब्रेरी में बहुत सारी काम चीज़ों के लिए होता है, जैसे यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, सॉरी, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव का मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर कर रखी है वो इन्फॉर्मेशन कभी भी हमें देखनी है तो रिट्रीवल बोलते हैं उसको, ठीक है। डिसेमिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रखी है, स्टोर कर रखी है, उसमें कोई भी प्रोसेसिंग, कुछ चेंज वगैरह करना है, जो कुछ भी करना है, ठीक है। तो इन सब कामों के लिए हम आईटी का यूज़ करते हैं लाइब्रेरी के अंदर। इवन दो हम अगर जो ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी होती हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट करने के लिए भी, ठीक है, कि कौन से एम्प्लॉयज़ का क्या काम है और उनके अटेंडेंस वगैरह, वो सारे काम भी आईटी की हेल्प से ही, मतलब कंप्यूटर की हेल्प से ही मैनेज किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज आईटी इन बिजनेस एंड मार्केटिंग। सो बिजनेस के अंदर, जैसे हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां से यही पढ़ा था कि जितने भी बिजनेस हैं आजकल के टाइम पे, किसी भी बिजनेस को कंप्यूटर के बिना इमेज करना, कि विदाउट यूजिंग एनी कंप्यूटर हम किसी बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटे बिजनेस की बात है, जैसे मतलब बिल्कुल एक छोटी मोटी शॉप खोल के बैठ के, वो तो ठीक अलग बात है, कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर एक थोड़े से बड़े लेवल का हमें बिजनेस करना है, तो हम इमेज भी नहीं कर सकते आज के टाइम पे, इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आईटी के बिना वो पॉसिबल हो सकता है, मतलब हम उसमें कोई भी कंप्यूटर का यूज ना करो उस बिजनेस को चला सके, क्योंकि आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है आईटी। तो आप कोई भी फील्ड चले जाओ, किसी भी तरह का बिजनेस हो, उसमें आईटी का यूज होता ही है। और मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जो भी बिजनेस होता है, मतलब आपने कोई भी बिजनेस किया तो उसकी जो पब्लिसिटी आप करते हो या एडवर्टाइजमेंट करते हो, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग, ठीक है। मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस प्रोसेस को हम मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कि बिजनेस के अंदर और मार्केटिंग के अंदर भी आईटी का पूरा यूज़ होता है। आपने देखते हो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह हैं, वो ज़्यादातर बनती पहली बात तो कंप्यूटर्स में है, ओके। एनिमेशन इफेक्ट्स वगैरह लगाए जाते हैं, उसमें एडिटिंग होती है उनकी, तो सारी कंप्यूटर की हेल्प से की जाती है, ओके। और ये फिर जो पब्लिसिटी की जाती है, जैसे आप फेसबुक चलाते हो या व्हाट्सएप चलाते हो, वहाँ पर आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट एड्स आती रहते हैं, कभी किसी प्रोडक्ट की, कभी किसी प्रोडक्ट की, जो कंपनीज हैं सोशल मीडिया की हेल्प से अपनी मार्केटिंग करती रहती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आईटी का यूज़ होता है। इसके अलावा लिखा है सम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स, आईटी के कुछ टूल्स That are used to reach out to people across the world, जो पूरे वर्ल्ड में लोगों तक पहुँचने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए जिन आईटी टूल्स का यूज़ करती है, वो कौन से हैं, वो यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग बोलते हैं किसी वेबसाइट का एक पेज होता है जिस पर आप कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कुछ भी रख सकते हो। वैसे नॉर्मली कुछ लोग होते हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं उस ब्लॉग पर, कोई कंपनी होती है तो वो अपने किसी प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन को रखती है, ठीक है। ऐसे कोई कुछ भी रख सकता है, कोई वैसे जरूरी नहीं है ये बिजनेस के लिए यूज हो, ब्लॉगिंग किसी भी पर्पज़ के लिए यूज हो सकती है।
ये होता क्या कि बहुत सारी वेबसाइट होते हैं, उन पर एक पेज आपके नाम का बन जाता है। उस पेज पर आप जो चाहे लिख सकते हो, ठीक है, उसको जो लोग होते हैं वो पढ़ सकते हैं, उसको ब्लॉग बोलते हैं। तो 10th क्लास में ये ब्लॉग कैसे बनाए जाते हैं, जब आप 10th में हो जाओगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो आपका एक चैप्टर आएगा, उसमें ब्लॉग्स बनाने भी सीखेंगे हम कि कैसे बनते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटराइज्ड प्रेजेंटेशन, जो आप प्रेजेंटेशन बनाते हो पावर पॉइंट में, ठीक है। पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिसमें आप बना सकते हो कंप्यूटराइज प्रेजेंटेशन, तो उसका भी यूज किया जाता है बिजनेस में मार्केटिंग करने के लिए। उसके अलावा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है कस्टमर और जो कंपनी है उनके बीच आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब उनके बीच में अच्छे से बातचीत होती रहे। क्योंकि कोई भी कस्टमर को कौन सी कंपनी अच्छी लगती है, जो किस कंपनी से प्रोडक्ट लेने अच्छे लगता है, सामान लेना अच्छा लगता है, जो कंपनी उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो जल्दी से सुने और उनको रिप्लाई दे दे, ठीक है। तो ऐसी कंपनी पर ट्रस्ट बन जाता है। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो यूज करते हैं कंपनी, उन सॉफ्टवेयर्स को क्या बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद है ईमेल कम्युनिकेशन, ईमेल का भी यूज़ किया जाता है, कस्टमर कंपनी को ईमेल भेजता है या ईमेल कई बार कंपनी होती है वो भी कस्टमर्स को अपने ईमेल्स भेजती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करने में हेल्पफुल रहते हैं ये। ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, जब ग्राफिक्स बनाए जाते हैं वो तो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है। कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाती है, बैनर्स बनाती है, बड़े बड़े बोर्ड्स बनाते हैं, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यूज करना, मतलब ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है वो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट इज वेबसाइट्स, बहुत सारी जैसे इधर कोई ब्लॉगिंग होता है ना, ब्लॉग और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, ब्लॉग होता है किसी वेबसाइट का एक पेज, ठीक है, मतलब एक ही वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। जैसे एक पेज आपके नाम का है, एक मेरे नाम का है, एक किसी और के नाम का है, तो आपने उस पर कोई अलग तरह की इन्फॉर्मेशन रखी है, मैंने कोई अलग तरह की, तो कोई मेरे पेज पर आएगा तो उसे वो मेरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके पेज पर आ रहा है तो आपकी। और वेबसाइट क्या होती है, कुछ कंपनीज होते हैं वो पूरी वेबसाइट ही सिर्फ अपने नाम से बना लेते हैं, उसी वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं, उसी पे उन पेजेस पर उन्हीं के अलग अलग प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वेबसाइट क्या होती है, जिस पे एक ही वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं। सो ये हो गया वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो आप में यूज करते ही होंगे आजकल, तो जैसे ज़्यादातर सबको मोबाइल्स वगैरह मिले रहते हैं, तो फेसबुक वगैरह चलाते होंगे आप, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये अगर आप यूज़ करते हैं तो ये सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर भी आप देखते होंगे, वहाँ पर अगर जो चलाते हैं जो बच्चे, तो उन्होंने देखा होगा कि तरह तरह की एड्स आती रहते हैं, कंपनीज करते रहते हैं। तो ये सारे वो टूल्स हैं, नाम बताएं, जो IT के टूल्स हैं, ठीक है। IT ने बनाया है इन सभी टूल्स को, और इनका यूज़ किस लिए होता है, बिजनेस में भी इनका यूज़ होता है। नाउ द नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या होता है, देखो इसकी फुल फॉर्म पहले तो देखो, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ई जहाँ पे भी लगे जैसे ई मेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कंप्यूटर, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, कंप्यूटर के अंदर होती है। तो और कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार, ठीक है। तो कोई भी व्यापार करना, बिजनेस करना इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर की हेल्प से, जब हम कंप्यूटर की हेल्प से कोई भी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स, ठीक है। जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का भी यूज़ किया जाता है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जब कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम फिर इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो सब तो IT का यूज करती हैं। हाँ, कौन बोल रहा था ये, ओके। तो जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं उन सब में तो IT का यूज होता ही है, ओके। तो ई कॉमर्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करें, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ठीक है। इवन तो जो बैंकिंग है, आप ऑनलाइन जब बैंकिंग करते हो वो भी ई कॉमर्स का ही एक पार्ट है, ओके। ई कॉमर्स में बहुत बड़ी चीज आता है, कोई भी आप बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो वो ई कॉमर्स में आ जाती है। बैंकिंग भी क्योंकि एक प्रकार का बिजनेस ही है तो वो उसकी एक कैटेगरी बन जाती है। सो ई कॉमर्स हो गया। अब ऐसे ही इसमें होता है IT इन बैंकिंग। तो बैंक्स के अंदर जैसे पहले बैंक्स होते थे आपके टाइम, तो आप तो ज़्यादा ही छोटे होंगे,
आज से लगभग 10-15 साल पहले देखें तो बैंक्स में ना सिर्फ रजिस्टर्स होते थे। आप जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाया है, आप केवल वहीं अपने पैसे जमा करा सकते थे और वहीं से निकलवा सकते थे, किसी दूसरी ब्रांच से नहीं निकलवा सकते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब रिकॉर्ड मेंटेन होता था वो रजिस्टर्स में होता था, कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, ठीक है, इलेक्ट्रो वो आपस में कनेक्ट नहीं थे बैंक्स की जो ब्रांचेज होती थी। तो एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच का इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं चल पाता था कि भाई हमारी दूसरी ब्रांच में आपका अकाउंट है या नहीं है, तो आपके वहाँ कितने पैसे जमा हैं, इसीलिए केवल वहीं हो पाता था। लेकिन जब से आईटी ग्रो हुई है और बैंकिंग में आईटी का यूज़ होने लगा है, तो अब आपको पता है कि आप किसी भी एक बैंक में अकाउंट एक बार ओपन करवा लो, उसके बाद आप किसी भी दूसरी ब्रांच में जाके भी पैसे जमा भी करा सकते हो, वहाँ से निकलवा भी सकते हो, सिंपल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, एटीएम से भी आप पैसे निकाल सकते हो। वो भी पॉसिबल किसकी वजह से हुआ? आईटी की वजह से। तो पहले जो सारे काम आपको कागज पर डॉक्यूमेंटेशन बना करके करने पड़ते थे, अब सारे इलेक्ट्रॉनिकली यानी कंप्यूटर या मोबाइल की हेल्प से ही हो जाते हैं। तो ये सारे काम जो पहले IMPS, RTGS, NEFT इनको करने में टाइम भी बहुत लग जाता, पहले दो दो तीन तीन दिन लगते थे इस काम को, आजकल तो साथ साथ हो जाते हैं फटाफट, ठीक है। और इवन तो ये भी होता था कि आप जिस दिन पैसे जमा कराते तो दो दिन बाद वो अपडेट करता था बैंक, क्योंकि मैं हाथ से एंटर करने पड़ते थे, ठीक है, तो दो दिन बाद आपको अकाउंट में वो आते थे। तो अब ऐसे बैंक के अंदर भी बहुत सारी जो अलग अलग बैंकिंग सेक्टर्स हैं जहाँ जहाँ आईटी का यूज़ होता है, वो कौन सा, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग में आईटी का यूज़ होता है, एटीएम्स जितने भी हैं उनमें आईटी का यूज़ होता है, बैंकिंग ऐप्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स के जो होंगे, अगर किसी बैंक में अकाउंट है तो आपने देखा होगा उस बैंक से रिलेटेड एक ऐप भी वो इंस्टॉल कर लेते हैं, उस ऐप की हेल्प से वो कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। टेली बैंकिंग होगी, टेलीफोन की हेल्प से भी आजकल बैंकिंग हो जाती है, आप सिर्फ टेलीफोन पे बात करके बैंक से अपनी ट्रांजेक्शन वगैरह करवा सकते हो, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, ये क्या होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे कार्ड्स देखे ना जिनको आप नॉर्मली ATM कार्ड्स बोलते हो, जो ATM कार्ड होता है वो एक डेबिट कार्ड होता है, ओके, और क्रेडिट कार्ड दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है कि जो डेबिट कार्ड है उसमें आप केवल वो पैसे यूज कर सकते हो जो आपके अकाउंट में है, और क्रेडिट कार्ड, अब क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता, केवल उन लोगों को मिलता है जिनकी इनकम सोर्स अच्छी हो, जो बैंक में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराते हैं कि हाँ जी मैं इतने पैसे कमाता हूँ यहाँ से, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनको आसानी से मिल जाता है, तो उनको बैंक क्या छूट देता है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं बैंक अकाउंट में उसके अलावा भी आप 50,000 या 1,00,000 एक्स्ट्रा यूज करना चाहो तो इस बैंक हमारे कार्ड से कटवा देना, आपकी पेमेंट हो जाएगी, ये पैसे आप बाद में हमको दे देना, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो बस इतना ही डिफरेंस होगा, क्रेडिट कार्ड्स में आप मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तब भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके पैसे खर्च कर सकते हो, तो वो बाद में फिर आपको बैंक में जमा कराने पड़ता है। बट डेबिट कार्ड में जो आपके अकाउंट में मान लो अगर 10,000 तो आप 10,000 ही मैक्सिमम यूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो इन सभी सर्विसेज में क्या है, आईटी का ही यूज़ होता है। नाउ द नेक्स्ट इज आईटी इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी होती है, जैसे LIC वगैरह कराते हैं, वैसे आजकल तो बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। अब ये इंश्योरेंस होता क्या है वैसे, कोई बता सकता है? जो तीन स्टूडेंट्स से अनम्यूट हैं उनमें से, या कोई दूसरा बच्चा रेज हैंड करके अगर कोई बताए कि व्हाट इज इंश्योरेंस, होता क्या है, बताना चाहता है बेटा? तीन बच्चे जो अनम्यूटेड हैं, आर्यन पंघाल ने किया है, यस बेटा स्पीक, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। सर इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हॉस्पिटल, हमने इंश्योरेंस करा रखा तो सर 1,000 रुपए नहीं लगेंगे। हाँ चलो एक एग्जांपल तो सही दिया, बट एक्चुअली इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ ये एक्सीडेंट से नहीं होता, बहुत सी तरह का वो होता है इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना वो आपसे कुछ थोड़े थोड़े पैसे लेती हैं। अब वो सुचित जांगला ने भी रेज हैंड किया, चलो यस बेटा अनम्यूट योर सेल्फ, सुचित अनम्यूट योर सेल्फ, यस सर, हाँ यस बेटा स्पीक नाउ। सर इन
इंश्योरेंस इज ए पॉलिसी सर इन विच सर वी कैन सेव आवर मनी सर एंड व्हेन वी नीड और वी कैन डाई और वी आर इल और वी आर लूजिंग समथिंग डैमेज सो द गवर्नमेंट हेल्प अस टू गिव द सपोर्ट हां एक्चुअली गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे और एक तो ये भी नहीं बोलेंगे कि वी कैन डाई वीकेंड डाई का मतलब हो गया कि हम मर सकते हैं मतलब इंश्योरेंस लेके हम मर सकते हैं तो ऐसा नहीं है देखो क्या होता है एक्चुअली इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ के बदले में कुछ पैसे जमा कराते हो किसी कंपनी में तो वो उसका इंश्योरेंस कर देते हैं इंश्योरेंस का मतलब एक प्रकार से मतलब उसने सेफ्टी कर दी आपके लिए कि जिस चीज़ के आप पैसे दे रहे हो अब वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं जैसे ये मान लो आपने अपनी शॉप का इंश्योरेंस कराया है ठीक है तो उसके लिए सपोज करो आप हजार हजार रुपए हर महीना देते हो तो क्या होगा कि अगर कभी आपकी शॉप पे कोई आग लग गई कुछ हो गया दुर्घटना हो गई उसमें नुकसान हो गया आपकी शॉप पर किसी भी तरह से तो वो कंपनी जितने का भी नुकसान हुआ है वो कंपनी आपको उतने पैसे देगी ठीक है तो गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे जो कंपनी इंश्योरेंस करती है वही पे करती है ऐसे डेथ का भी किया जाता है अगर कुछ घरों में जैसे अगर कुछ ऐसे घर हैं जिसमें एक ही बंदा कमाने वाला है तो वो अपना इंश्योरेंस करा सकता है कि भगवान ना करे कभी उसको कुछ हो जाए वो मर जाए ठीक है किसी भी वजह से एक्सपायर हो जाए एक्सीडेंटली तो उसके घर वालों को कंपनी एक बड़ी अमाउंट देती है वो इंश्योरेंस कितने रुपये का कराया उसी के हिसाब से उसे हर मंथ पे भी करना पड़ता है तो जितने ज़्यादा वो पर मंथ पे करेगा उतनी बड़ी अमाउंट उनके घर वालों को फिर मिल जाती है ठीक है तो मतलब एक सेफ्टी कर लेते हैं हम इसी को बोलते हैं इंश्योरेंस ठीक है मतलब हमने इंश्योरेंस करवा लिया अपना तो किसी भी चीज़ के लिए वो कराया जा सकता है तो जो ये इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो भी अपना सारा रिकॉर्ड हो जो इंश्योरेंस करते हैं वो भी किस कैसे करते हैं कंप्यूटर की हेल्प से ही करते हैं उनका सारा डेटा कंप्यूटर में ही स्टोर होता है कि किसने कब कौन सी पॉलिसी खरीदी थी इंश्योरेंस की उसका प्रीमियम वो टाइम से भर रहा है प्रीमियम मतलब जो हम किस्त भरनी पड़ती है हर मंथ उनको प्रीमियम बोलते हैं चैट में कुछ मैसेज आए हैं नहीं जितना अंशु ने पूछा है जितना लॉस हुआ बेटा केवल उतना ही देंगे वो हाँ बीमा एक दीपक ने भी लिखा है बीमा हिंदी में बीमा बोल देते हैं उसको इंश्योरेंस को ठीक है बीमा या इंश्योरेंस मतलब इंग्लिश में हम इंश्योरेंस बोलते हैं हिंदी में बीमा बोल देते हैं सिंपली ठीक है बट उसका मतलब क्या होता है मीनिंग समझ में आना चाहिए हिंदी या इंग्लिश वर्ड से तो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता यस बेटा अनम्यूट योर सेल्फ सुचित सुचित अनम्यूट योर सेल्फ आपने रेज हैंड किया था सुचित क्या समझ नहीं आया बेटा दोबारा बोलो ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया हाँ डेथ हो सर हाँ बीच में ही सर हाँ उसके इंश्योरेंस के हाँ, तो सर उसे मिलेंगे सर हाँ मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे बेटा उसके घर वालों को मिलेंगे मतलब उसे तो कहाँ से मिलेंगे वो तो मर गया जिसने कराया जैसे अगर 1 लाख का किसी ने इंश्योरेंस कराया है तो 1 लाख के लिए वो किस्त फिर उसके अकॉर्डिंग बनेगी जैसे अगर अब 1 करोड़ का कराया तो अमाउंट भी बड़ी होगी जैसे आपको हर महीने 10,000, 20,000, 30,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे ठीक है और वो कई सालों तक जैसे 20-30 सालों तक कराने पड़ते वैसे अलग अलग टाइम पीरियड होता है अलग अलग पॉलिसीज में तो आप कौन सी पॉलिसी देख रहे हो बहुत सारे प्लान होते हैं आपको कौन सा प्लान अच्छा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही चैट में लिख के भेज दो आप अपनी बात आपकी वॉइस ना ब्रेक हो रही है बीच में समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो अच्छा चलो आगे चलते हैं तो देखो मैं सिंपली सा बताता हूँ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आप कुछ पैसे बट आप जो को देने पड़ते हैं वो कम देने पड़ते हैं और हर मंथ या फिर 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स बाद ऐसे थोड़े थोड़े टाइम के बाद देने पड़ते हैं थोड़े थोड़े करके ठीक है अगर कोई आपके साथ हादसा हो जाता है तो आपको कंपनी पे कर देती है सारिका ने कुछ लिखा है सर इफ देर इज नो लॉस एंड देन ऑल्सो वी वॉन्ट मनी
देन वी विल दे गिव अस मनी। नहीं, अगर आपका वैसे कोई लॉस नहीं होता, देखो अगर आपने एक्सीडेंट के नाम का बीमा कराया है तो आपको तभी पैसे मिलेंगे जब आपका अगर एक्सीडेंट हो, ठीक है। अगर आपने डेथ वाला बीमा कराया है तो जब डेथ होगी तो ही पैसा मिलेगा। अगर आपने शॉप का कराया है तो शॉप में कोई नुकसान होगा तो ही पैसा मिलेगा। तो आपने जो इंश्योरेंस किस चीज का कराया है, ठीक है, या किस इवेंट के लिए कराया है, तो वो इवेंट होगा तभी आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो गया, तो ऐसे भी इंश्योरेंस भी होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कवर कर लेते हैं, बट उनके लिए फिर जो अमाउंट होती है वो भी आपको हर महीने ज़्यादा देनी पड़ती है। और आप जो पैसे हैं, कुछ ऐसे भी इंश्योरेंस होते हैं जो ये भी कहते हैं कि अगर आपके जैसे इतने पैसे ये होते हैं वो जमा भी होते रहते हैं, अगर आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ तो लास्ट में जब होते हैं, जब आपका टाइम पूरा हो जाए, जैसे 20 साल है, तो 20 साल के बाद आपके पैसे जितने भी जमा हुए वो कुछ इंटरेस्ट भी मिल के आपको वो वापस भी मिल जाएंगे। अगर बीच में ही हो जाएगा तो आपको आगे की किस्तें देनी पड़ेंगी, आपको पहले ही इंश्योरेंस की पूरी अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लान्स होते हैं। अच्छा चलो, उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस इंश्योरेंस क्या होता है थोड़ा सा बेसिक हमें समझना था। तो इंश्योरेंस के अंदर भी आई टी का यूज़ होता है। फिर से चैट आ गई है किसी की। सर किस किस चीज़ का इंश्योरेंस हो सकती है? कार ट्रक, हाँ कार ट्रक का भी होता है, इवन कार ट्रक जो या बाइक्स होती हैं उनका भी इंश्योरेंस होता है, उनका तो कंपलसरी होता है, ठीक है। इवन दो उसका तो जैसे होते हैं पुलिस वाले होते हैं चालान काट देते हैं, कई बार रुकवा के वो चेक भी करते हैं, अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा तो उसका तो चालान भी होता है, फाइन लगा देते हैं वो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। इवन दो जो भी बैंक में अकाउंट खुलवाता है ना, उसका भी बैंक अपनी तरफ से खुद इंश्योरेंस करता है, 2 या 3 लाख रुपए का होता है वो, अगर जिसने भी अकाउंट खुलवा रखा है और एटीएम कार्ड ले रखा है, उस एटीएम कार्ड में ऑटोमेटिक इंश्योरेंस होता है। अगर उस बंदे की डेथ हो जाए तो उस वो अकाउंट दिखा के, बहुत सारे लोगों को तो इस बात का पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में वो इंश्योरेंस भी होता है फ्री में बैंक की तरफ से, जब हम एटीएम कार्ड लेते हैं, क्योंकि उस एटीएम के हम हर साल 100, 150 या 200 रुपये अलग अलग बैंक के अकॉर्डिंग पे करने होते हैं हमें, तो वो कटते हैं, तो वो इसी केस के, वो इस चीज़ के भी होते हैं, उसमें इंश्योरेंस के अमाउंट भी शामिल होती है, ठीक है। तो चलो, ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज हैं जहां पर होते हैं। अब ये क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, एक मिनट फिर से। ओके ध्रुव की आई है कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। बेटा बाकी जो बच्चे जो अनम्यूटेड हैं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या टूट टूट कर आ रही है? सबने म्यूट कर लिया क्या? कोई बच्चा अनम्यूट है इस फिलहाल? अंशु बेटा अनम्यूट योर सेल्फ, नीतिका अनम्यूट योर सेल्फ। क्लियर आ रही है आवाज कॉन्टिन्यूसली, बीच में ब्रेक तो नहीं हो रही? यस सर, नो सर। हाँ ठीक है, तो चलो हम बेटा जो भी आप बोल रहे थे कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मेरी वॉइस तो यहाँ से क्लियर जा रही है, मे बी आपका इंटरनेट नेटवर्क स्लो हो सकता है इसलिए शायद आप क्लियर ना आ रही हो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, मतलब एक दो बच्चा हो सकता है जिसको क्लियर नहीं आ रही, क्योंकि मैसेज आया था एक। ओके आगे चलते हैं, आईटी इन कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने के लिए, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे हम करते हैं, ठीक है, या हाइक पे करते हैं। सोशल मीडिया जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, ट्विटर है, ये सोशल मीडिया होते हैं, तो इनमें तो आईटी का यूज होता ही है, हमको पता ही है। नेक्स्ट इज आईटी एंड एंटरटेनमेंट एंड आर्ट्स। आर्ट्स बनाने के लिए, इवन दो आजकल पता है आपको ड्राइंग्स होते हैं वो कंप्यूटर के हेल्प से ज़्यादा जल्दी बन जाती हैं और बहुत अच्छी भी बनती हैं। एंटरटेनमेंट के लिए आपको पता है, आप एंटरटेनमेंट की हर चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट पर, ओके, आप वीडियोस देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, ठीक है, डिफरेंट ट्रैक डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑनलाइन, ओके। तो ये एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता ही है आईटी का, ओके। उसके बाद है आईटी इन हेल्थ केयर। अच्छा आपका जो ये ना 35 पे शायद ओवर होगा पीरियड, 31 हो गया है, तो अगर बीच में कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाता है तो 5 मिनट बाद आपने दोबारा से फिर से री एंटर करना है, ओके सभी ने, तो अपने आप कर लेना। सो नेक्स्ट आईटी इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर मतलब जो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे हम इलाज कराते हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं, ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर भी आईटी का बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल। जैसे रोहतक के अंदर जो मेडिकल है,
ठीक है, तो वहाँ पर जो लोग अगर कोई इलाज करवाना, PGIMS बोलते हैं जिसको, तो PGI में अगर कोई इलाज करवाने गया हो पहले या जाता हो, ठीक है, तो आजकल उन्होंने क्या कर दिया, वो पर्चियाँ नहीं बनाते, जैसे पहले होते थे ना पर्चियाँ बनती थी, नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते तो पर्ची बनाते हैं, ठीक है, तो उनकी बजाय अब क्या हो गया, वो एक आपको एक पेन ड्राइव लेके जानी पड़ती है अपने साथ, और वो आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है उस पेन ड्राइव में डालता है कंप्यूटर से कि आज आपको मतलब इस डेट को आपको ये दवाइयाँ दी गई हैं, आपको ये प्रॉब्लम है, वो सारी इन्फॉर्मेशन पेन ड्राइव में होती है, नेक्स्ट टाइम जाते तो वो उसी पेन ड्राइव से चेक करते हैं फटाफट, ठीक है। तो क्योंकि पर्चियाँ होती हैं वो एक्चुअली क्या होता है, कुछ अगर किसी का लंबे टाइम तक इलाज चलता है 2-3 साल तक, तो वो जो पर्चे होते हैं 2-3 महीने में वो फट जाते हैं, बार बार उनको ले जाओ तो फट के वो सारे रिकॉर्ड खराब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि पहले डॉक्टर ने इसको 2 महीने पहले ये कौन सी दवाइयाँ लिखी थी, तो वो पेज ही फट जाते हैं, तो उसकी बजाय, और उनको मेंटेन करना भी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसकी बजाय पेन ड्राइव में डाल दिया तो चाहे 10 साल बाद भी देख लो वो बिल्कुल वैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये तो यूज होता है, इसके अलावा बहुत सारी मशीनें होती हैं जो टेस्ट वगैरह करने के लिए, डिफरेंट टाइप के टेस्ट किए जाते हैं, डायग्नोस्टिक मतलब इलाज करने के लिए यूज़ होती हैं, तो ऐसी तो बहुत सारी मशीनें हैं जो कंप्यूटर से ही चलती हैं, ओके, कंप्यूटराइज्ड मशीन्स होती हैं वो सारी, मतलब IT का यूज़ होता है उनमें। तो ऐसी कुछ मशीन्स के नाम यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, क्लिनिकल, अच्छा नहीं ये तो मशीन्स के नाम नहीं है, मशीन्स के नाम तो आदि में आएंगे, ये लिखा है हेल्थ IT कवर्स ए ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो हेल्थ केयर में यूज़ की जाती हैं और जिनके अंदर IT का यूज होता है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये मैंने अभी बताया जो जैसे पेन ड्राइव में रिकॉर्ड रखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा जाता है, पर्चियों में कागजों में लिख के नहीं रखते उस रिकॉर्ड को। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट यूजिंग अप टू डेट क्लिनिकल गाइडलाइंस, तो पूरी जो डॉक्टर ने आपको क्या गाइडलाइंस दिए वो सारा भी इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाता है। पेशेंट एंगेजमेंट टूल्स, पेशेंट्स के लिए भी बहुत सारे टूल्स दिए जाते हैं, जैसे पेशेंट्स का चेकअप वगैरह किया जाता है, ठीक है, जो कंप्यूटराइज होता है सारा, कंप्यूटराइज्ड अपॉइंटमेंट्स विद डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के साथ आजकल कंप्यूटराइज्ड अपॉइंटमेंट होता है कि आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैं खुद का अपना लाइव एग्जांपल बताऊं, तो मैंने एक डॉक्टर से बात की थी, मेरी वाइफ के लिए उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो ऑनलाइन ही डॉक्टर से कंसल्ट करके उन्होंने वहाँ पे दवाइयाँ बता दी थी, ऑनलाइन ही फ़ी पे हो गई थी और वो दवाइयाँ ले ली थी, और तो वो ठीक भी हो गई थी, ठीक है। तो मतलब जाने की भी जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास, तो कंप्यूटराइज अपॉइंटमेंट्स भी हो जाते हैं, और इवन दो अब तो कंसल्टेशन भी हो जाता है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी कोई नहीं है, ठीक है, तो आप वैसे ही कंसल्ट करके भी डॉक्टर से, जैसे आप बता दो मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है, तो अगर कुछ ज़्यादा ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं, तो डॉक्टर वैसे ऑनलाइन ही उसका ट्रीटमेंट आपको बता देते हैं। और चीज़ें हैं लेबोरेटरी एंड मेडिकल इमेजिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मतलब लेबोरेटरी में को मैनेज करने के लिए भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो ये बहुत सारे, चलो नेम्स लिखे, ये आप खुद पढ़ लेना, मैं एक नाम पढ़ के बताऊंगा। तो सिंपल वही चीज़ें हैं, मतलब जो IT से रिलेटेड हैं और जिनका यूज़ हेल्थ केयर में किया जाता है, मतलब मेडिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है IT इन हेल्थ केयर प्लेज की रोल इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसेस, कुछ चीज़ों के इलाज के लिए भी किया जाता है, तो डिफरेंट टाइप्स के जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, मतलब इलाज, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है इलाज करना, ठीक है, तो अलग अलग तरह के इलाज में भी यूज किया जाता है, जैसे कैप्चरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए, क्लिनिक हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, कुछ चीज़ें वही थी जो इसमें भी आई हैं, वही यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, एक तो शायद नई भी होगी, तो आप ये एक बार पढ़ के देख लेना। मेन चीज अब इसी में से जो मेन चीज निकल के आएगी ना, यूज इन IT इन डायग्नोसिस, मतलब इसी का जो निचोड़ है, थोड़ा डिटेल में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर वो चीज़ें कवर भी हो जाएंगी जो यहाँ रह गई हैं। तो डायग्नोसिस मतलब इलाज करने के लिए जो IT का यूज़ होता है, तो इलाज करने के लिए आजकल जो बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिनका यूज़ किया जाता है। आई थिंक बेटा टाइम हो गया, 12:36 हो गया, तो मैं अभी दोबारा ज्वाइन करते हैं 5 मिनट बाद, और फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे यूज़ ऑफ IT इन डायग्नोसिस से, ओके, क्योंकि अब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, 1-2 मिनट में अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं खुद ही डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ अभी, 5 मिनट के बाद फिर से एंटर करना, ओके।